अस्सलाम वालेकुम। एयरबड्स ब्लूटूथ स्पीकर का एक पेयर होता है जो हम अपने कानों में पहनते हैं और इसके जरिए से हम फोन कॉल म्यूजिक क्लियरली से सुन पाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं एयरबड पर लाउड म्यूजिक सुनने से आप अपने सुनने के समावत यानी सेंस ऑफ हियर को खो सकते हैं? लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं कि एयरबड्स कैसे हमारी ईयर को डैमेज करते हैं। देखिए, हमारे कान तीन पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम करते हैं और इस साउंड वेव को प्रोसेस करते हैं। ये तीन पार्ट्स आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर पर मुश्तमिल होता है। अब जो इनर एयर है इसको हम कोकलिया भी कहते हैं। ये और ये एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है और इसमें टाइनी हेयर सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल हमारे ब्रेन को साउंड मैसेज सेंड करने में हेल्प करते हैं। देखें, साउंड वेव जो हमारे ईयर में एंटर होते हैं तो ये हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए, ये वाइब्रेशन फिर हमारे मिडल एयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोकलिया में ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोकलिया एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशन इस फ्लूइड और इन छोटी छोटी ईयर सेल में से पास होती हुई ये एयर सेल इन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूँ हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कोकलिया में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल तेज़ी से मूव करने लगते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली हाई फ्रिक्वेंसी से साउंड वेव को सुनते रहे तो हमारे कोकलिया में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल डैमेज होने लगते हैं जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारा कान 70 dBA तक साउंड को सेफ्टी से सुन पा रहे हैं और 60/60 मिनट रूल को अपना कर हम सेफ्टी से अपने कान को किसी भी किस्म डैमेज पहुंचाने वाले एयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप एयरबड्स इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वॉल्यूम 60% तक रखें और इसके अलावा एयरबड्स को कंटिन्यूसली 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ न करें। इसके अलावा एयरबड्स एक और तरीके से हमारी ईयर को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे जब हम एयरबड्स को पहनते हैं तो इस एयरबड्स की वजह से हमारे ईयर कनाल में हवा एंटर नहीं पाती जिसकी वजह से हमारी ईयर कनाल में नमी वक्षा हो जाती है जो कि बैक्टीरिया और पंजाई के लिए एक साजगार माहौल बन जाता है जो कि हमारे कान को इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। तो होप से आज आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। वस्सलाम। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।